नगर में चल रहे अतिक्रमण अभियान के तहत आज भी मैदागंज से लहुराबीर तक नगर निगम व प्रवर्तन दल के अधिकारियों द्वारा लोगों को अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। वहीं बार बार मना करने के बाद भी न मानने वालों पर सख्त कार्यवाही की गई, सामानों को जब्त किया गया। वहीं लहुराबीर व्यापार मंडल के सदस्यों ने इसका विरोध किया कि चेतावनी देकर सामानों को हटाया जाए। सामानों को लेकर व्यापारियों को प्रताड़ित करने का कार्य बंद ही नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वाराणसी से सूरज यादव की रिपोर्ट। संजय चौबे, लहुराबीर व्यवसायिक संघ उपाध्यक्ष। संजय जी, किस तरह का यह अतिक्रमण अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की मंशा क्या है ये तो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, बल्कि इनके कार्य प्रणाली के खिलाफ है। हम इन्हें अगर ये अभियान चलाना है तो पूरे बनारस के व्यापारियों को एक नज़र से पहले ये देखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लहुराबीर, मैदागिन और चौक पे अतिक्रमण है, अतिक्रमण दाल मंडी के अंदर भी है, अतिक्रमण गोदोलिया चौराहे पे भी है, जहाँ पे ये प्रशासन खुद बेंच लगा करके रोकी हुई है। किस वजह से रोकी गई है? हम अस्थाई अतिक्रमण करते हैं। आप खुद समझ लीजिए कि सन 2020 से नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद कोरोना के बाद जो स्थितियां व्यापारियों की उत्पन्न हुई है, उनके सामने रोजी रोटी के जो लाले पड़े हुए हैं, हम उनसे निपटने के लिए किसी तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। पर समय समय पर सरकार हमारा उत्पीड़न कर रहा है, कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी वाणिज्य कर के नाम पर, तमाम तरीके की चीज़ें हम लोग के ऊपर थोप जा रही है। सहायता तो एक पैसे का हम लोगों को सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें विस्थापित करने की पूरी योजना इन लोगों ने बना रखी है। आप व्यापारी नेता हैं तो व्यापारियों के लिए किस हद की लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरह से साइकिल उठा करके गया गरीब व्यक्ति? देखिए, ये तो एकदम सरासर गलत चीज़ें हैं कि आप किसी की सामान उठा करके लेके जा रहे हैं। आप उन्हें चेतावनी दें और हम खुद प्रशासन का सहयोग करते हैं। देखिए, हम व्यापारीगण देश की अर्थ की धुरी हैं, हमारे ही अर्थ टैक्सेस की वजह से इनके अधिकारियों को जो है सैलरी मिलती है, पर सरकार या ये अधिकारी हम लोगों को नींबू की तरह समझते हैं कि इनको जितना निचोड़ो रस उतना ही निकलता चला जाएगा। हम लोग काफ़ी इससे परेशान हैं और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन अतिक्रमण विभाग को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपने कार्य प्रणाली को बदले, पारदर्शिता लाए, स्पष्टीकरण रखें, अन्यथा हम व्यापारीगण मजबूर होकर के जिस दिन रोड पर उतर जाएंगे, फिर उस दिन इसका परिणाम बहुत घातक होगा आप लोगों के लिए। अपना परिचय दे दीजिएगा। हम भैया, हम नौकरी करते हैं, गरीब आदमी हैं, हम किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मिश्री लाल गुप्ता। आज क्या हुआ है आपके साथ? भैया, हमारे साथ जो साइकिल उठाए हैं जबरदस्ती, जो है हमारा जो है जबरदस्ती उठा रहे हैं साइकिल में, ताला बंद सही से हमें हम उठते मानो ताला सही, दो आदमी जबरदस्ती उठा ले गए। बताइए, हम मना करने के बाद भी हमने कह रहे थे कि भैया मान जाइएगा, ऐसा मत करिए, हम अकेले हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम दुकान किसका है? अब दुकान सर हम आपको पंजाब साइकिल वाले का है। आप काम करते हैं? हम काम करते हैं भैया। अब क्या करेंगे, आप मालिक को कहाँ से भरेंगे? हम मालिक भरेंगे, मालिक आधा पैसा हमसे ले लेगा और जो भी है हम देना पड़ेगा हमें, और किसी तरह से कैसे कैसे हमारा नहीं मानेगा ही। अगर तनख्वाह हमारा 8,000 रुपया है तो हमारा कम से कम जितने की तनख्वाह हो गए 15,000 का माल होगा, आधा पैसा हमें भरना पड़ जाएगा। तो ये जो अभियान चल रहा है, अच्छा, इससे क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से गरीबों को परेशानी? हम तो परेशानी तो हमारी है कि हमें एक मरतबा सूचना दिए हैं तो सूचना देंगे, तो उसके बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे सर आपको, बस हम यही बात है ना। सूचना दिए बिना सूचना दिए उठा ले गए सर।